हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉमिनी के बारे में। आखिर नॉमिनी क्या है, नॉमिनी किसे कहा जाता है और जो नॉमिनी के क्या क्या अधिकार होते हैं, इसके साथ साथ नॉमिनी और जो उत्तराधिकारी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और जो नॉमिनी से जुड़े हुए जो कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का नॉमिनी के बारे में क्या कहना है और क्या क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें नॉमिनी के बारे में, तो फ्रेंड्स हमने ये देखा है कि कई बार जब हम बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या फिर एफडीआर कराते हैं या फिर डीमैट अकाउंट होता है या फिर कोई अन्य चीज होती है जिसके लिए हम कभी जब भी फॉर्म भरते हैं, तो कई बार हमने देखा है कि नॉमिनी का नाम जो है मेंशन करना होता है। तो हम जो भी हमारे क्लोज होते हैं उसका जो नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम हम नॉमिनी के तौर पर लिख देते हैं। तो आखिर ये नॉमिनी का नाम लिखने से क्या वो उस चीज का मालिक हो जाएगा? और अक्सर हम लोग यही मानते हैं कि जो नॉमिनी इसीलिए नियुक्त किया गया है कि अगर जैसे मैंने किसी व्यक्ति को नॉमिनी नियुक्त किया है तो अगर मेरी डेथ हो जाती है तो जिस व्यक्ति का नाम है उसे ये सारी चीज मिल जाएगी, ऐसा मानना है। तो आखिर क्या सही में ऐसा ही होता है, इसके बारे में बात करें। तो नॉमिनी किसे कहा जाता है? तो नॉमिनी का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति का जो बैंक अकाउंट है, एफडीआर है या इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर जो भी चीज है, उसमें अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को जो जमा राशि के लिए निकालने के लिए जिसे ऑथोराइज किया है उसे नॉमिनी कहा जाता है। यहां पर मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं ये क्या है कि जो जमा राशि है उसे निकालने के लिए जो ऑथोराइज किया गया है उसे नॉमिनी कहा जाता है। यानी कि यहां का स्पष्ट मतलब ये हो जाता है कि नॉमिनी है वो एक ट्रस्टी है, जो भी चीज है उसका ट्रस्टी है, वो उस चीज का मालिक नहीं है। नॉमिनी का जो कर्तव्य होता है कि यहाँ पर नॉमिनी बेसिकली इसीलिए नियुक्त किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके जो बैंक अकाउंट है या एफडीआर है या जो पॉलिसीज है उसमें जो जमा राशि है उसे आसानी से निकाला जाए, कोई लीगल या जो लीगल प्रॉब्लम्स है, लीगल टेक्निकल इश्यूज है वो ना आए और जो जमा राशि है वो निकाल कर जो इस व्यक्ति के उत्तराधिकारी जो है उन्हें वो सौंप दे, इसे नॉमिनी कहा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने और कई जजमेंट में ये कहा है कि यहाँ पर नॉमिनी है वो केवल उस चीज का, उस पर्टिकुलर जो है उस पैसों का वो ट्रस्टी है, उस प्रॉपर्टी का वो ट्रस्टी है, वो नॉमिनी जो है वो मालिक नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े जजमेंट के बारे में बात करें तो सरस्वती देवी वर्सेस उषा देवी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नॉमिनी यहाँ पर जो है वो ट्रस्टी है, वो मालिक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि विल के द्वारा जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकार नॉमिनेशन के द्वारा नहीं मिलते हैं। यानी कि विल के द्वारा आपको मालिकाना अधिकार मिलते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने आपके नाम पर जो विल कर दिया है तो वहां पर वो आप मालिक होते हैं, लेकिन अगर किसी ने व्यक्ति ने आपको जो नॉमिनी करार दिया है तो वहां पर आपका केवल यही दायित्व होता है कि जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जमा राशि को निकाला जाए और उनके उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाए। यानी कि नॉमिनी केवल ट्रस्टी के तौर पर काम कर सकता है, वो मालिक नहीं है। और उसका यही कर्तव्य है कि वो जो जिस व्यक्ति के तौर पर उसे नॉमिनी नियुक्त किया गया है, अगर उसकी बैंक में या फिर एफडीआर में या पॉलिसी में या फिर जो शेयर के डीमैट अकाउंट में अगर वो नॉमिनी है तो वहां से जो जमा राशि है उसे निकाला जाए और जो उनके उत्तराधिकारी है उन्हें सौंप दिया जाए। केवल इसका इतना ही कर्तव्य है नॉमिनी का, वो मालिक के तौर पर उस चीज का, उस प्रॉपर्टी का वो मालिक नहीं बन जाता है। अब एक अपवाद के बारे में बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक अपवाद है। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस एक्ट जो 2015 उसमें जो अमेंडमेंट आया था और उसमें इंश्योरेंस एक्ट में जो सेक्शन 39 है सब सेक्शन 7 में यहाँ पर अमेंडमेंट ये किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, अगर वो नॉमिनी के तौर पर अपने माता पिता को या फिर पति या पत्नी को या फिर बच्चों को, इनमें से अगर किसी व्यक्ति को नॉमिनी के तौर पर नियुक्त करता है, कि किसको, माता पिता को, पति पत्नी को या फिर अपने बच्चों को नॉमिनी के तौर पर नियुक्त करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो उस व्यक्ति की डेथ के बाद जो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो रकम आएगी उसके लिए ये लोग वहां पर मालिक हो जाएंगे, वो केवल उसी की मानी जाएगी। यहाँ पर वो एज अ नॉमिनी और मालिक दोनों माने जाएंगे, वो उसकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन बाकी के जो है, बैंक है, FDR है, उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो उसमें यहाँ पर अमेंडमेंट 2015 में आया है और उसमें यह कहा है कि अगर माता पिता है या फिर पति पत्नी है या फिर बच्चों है, उनमें से किसी को नॉमिनी बनाया है, तो वो यहाँ पर नॉमिनी के तौर पे, मालिक के तौर पर होंगे, यानी कि उनकी खुद की ये जो रकम है या प्रॉपर्टी है वो उनकी मानी जाएगी। इंश्योरेंस पॉलिसी की जो सारी रकम आएगी वो केवल जिस व्यक्ति को नॉमिनी किया गया है उसी की मानी जाएगी। अब कुछ सवालों के बारे में बात करें कि जो लोगों के मन में होते हैं, कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो नॉमिनी नियुक्त करना चाहता है, लेकिन क्या वो एक से ज्यादा व्यक्ति को नॉमिनी के तौर पर नियुक्त कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। कोई भी व्यक्ति अगर नॉमिनी को नियुक्त करना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो एक से ज्यादा नॉमिनी को नियुक्त करे, तो वो डेफिनेटली वो एक से ज्यादा नॉमिनी को नियुक्त कर सकता है। और साथ ही में वो यहाँ पर वो भी डिसाइड कर सकता है कि इस उसके जाने के बाद, उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो ये जो जमा राशि है या जो ये राशि आएगी वो किसके तौर, मतलब कितने परसेंटेज शेयरिंग होगा, किसका कितना अधिकार होगा, वो भी डिसाइड कर सकता है। अगर यहाँ पर परसेंटेज डिसाइड नहीं किया गया है तो ये जो राशि आएगी वो एक से ज्यादा अगर नॉमिनी है तो उन दोनों में इक्वली बांट दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कई बार कुछ लोगों के रिश्ते शुरू किसी व्यक्ति के साथ अच्छे होते हैं, तब उसका नाम नियुक्त किया होता है नॉमिनी के तौर पर, लेकिन जब समय बदलाता है फिर चेंज होता है और कोई सरकमस्टेंस ऐसे आ जाते हैं कि अब उसके साथ इतने घनिष्ठ रिश्ते नहीं है, और अगर वह व्यक्ति उस नॉमिनी का नाम चेंज करना चाहता है तो क्या पॉसिबल है? तो हाँ, ये भी जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आप चाहे तो जितनी बार चाहे आप नॉमिनी का जो है, नॉमिनी का नाम चेंज करा सकते हैं। उसके लिए सिंपल सी एक प्रोसेस होती है कि आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है नॉमिनी के नाम चेंज करने के लिए, और जो कुछ फीस होती है वो भी आप पे करके जो है नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार नॉमिनी का नाम डाल दिया उसका तो फिर वो उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे चेंज भी किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नॉमिनी के तौर पर किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया, अगर उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद वो दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बनाना ही रह गया और जो व्यक्ति है उसकी भी डेथ हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में जनरली यही होता है कि जो चाहे बैंक हो या फिर जो है शेयर डीमैट अकाउंट की कंपनी हो या इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी कंपनी हो, तो वहां पर वो लोग उनके जो लीगल हायर्स होते हैं उनसे सक्सेशन सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लाइए और फिर ये जो जमा राशि है वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, उसे कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए आपको आई बटन के ऊपर वीडियो आप देखेंगे, वहां से आप पूरी तरह से सारी जानकारी ले सकते हैं कि आखिर सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है और उसे कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में। और एक और सवाल होता है कि क्या बच्चे को नॉमिनी के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है? तो उसमें भी जवाब होता है हाँ, बच्चे को भी नॉमिनी के तौर पर आप नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा ये होता है कि उनके जो गार्डियन है, बच्चे के गार्डियन है, उनका भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है नाम। तो बच्चे को भी आप अगर नॉमिनी के तौर पर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। तो ये थोड़े कुछ सवाल थे जो कि अक्सर लोगों के मन में होते हैं, और इसके साथ साथ ये भी पूरी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इस वीडियो में कि नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी किसे कहा जाता है, नॉमिनी और उत्तराधिकारी में क्या अंतर होता है, क्या नॉमिनी वाकई मालिक है या नहीं। तो यहाँ पर नॉमिनी यानी केवल एक ट्रस्टी के तौर पर उसे काम करना होता है, उसका यही दायित्व है कि जो व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो लीगल इश्यूज ना आए, लीगल प्रॉब्लम्स ना आए, और वो जमा राशि है वो निकाल सके, और निकाल कर उसे उनके जो उत्तराधिकारी है उन्हें सौंप देना ही कर्तव्य नॉमिनी का होता है। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा,
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।